किसी किसी को गर्मी बहुत लगती है, हॉट फ्लैशेस, पूरे शरीर में ऐसे जलन जलन। अब ये इतना बड़ा रोग है, मैं इसको अलग अलग तरह से बता रहा हूं। सामान्य रूप से किसी को ज्यादा जलन होती है तो उसको बोलते हैं इसको चंदनासव पिला दो, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ रही है तो चंदनासव पिला दो। लेकिन चंदनासव से भी लाभ नहीं होता है, तो फिर क्या करो, तो उसको लौकी का जूस पिला दो। चंदना सबसे भी ज्यादा अच्छा होता है लौकी का जूस, उसकी और खान पान पर नियंत्रण। लौकी का जूस ये चंदना सबसे भी ज्यादा उपयोगी है। और उसका पथ्य करवाना बहुत आवश्यकता है, पानी की मात्रा ज्यादा पिला दो, 3 से 4 लीटर उसको पानी पीना है। नमक कम कर दो, तीखी तली हुई चीजें बंद कर दो। सबसे ज्यादा तृषा को और ये तृष्णा रोग को दूर करने के लिए उपयोगी होता है शीशम के पत्ते। मैं एक एक चीज बता रहा हूं जो औषध दर्शन में जो लिखा हुआ है, कि जो है मुलेठी और सौंफ। अब सौंफ का पानी भी जो है जो तृष्णा होती है उसको दूर करता है, सौंफ का पानी है, मुलेठी है, ये इस चीज में मदद करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा उपयोगी होता है, मैंने क्या बताया, शीशम के पत्ते। शीशम के पत्ते पीस करके, देखो ऐसे शीशम के पत्ते खाओ तो ठीक है, लेकिन शीशम के पत्तों को पीस करके पानी में डाल करके पिला दो तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इतना ठंडा होता है अस्थमा और अर्थराइटिस वालों को तो पिलाने नहीं चाहिए, उनका शरीर जाम हो जाता है।